तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ गर्मियों का सबसे फेवरेट नाश्ता, चीला। हम बनाएंगे आज बेसन का चीला। और कैसे कैसे क्या क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। आप लोग चाहें तो इसमें आधा कटोरी सूजी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ बेसन का बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया है और आधा कप के अंदाजे से मैंने यहाँ पे मठा लिया है। आप दही भी ले सकते हो या फिर मठा, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मठा लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, करीब आधे कप से भी कम पानी डाला है। और यहाँ पे देखिए, इस हमारा जो बैटर है वो बन गया है। अब हम लोग इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि खड़ा धनिया, सॉरी जीरा डाला है मैंने थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और चिली फ्लेक्स। और लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हींग, ताकि इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो। और उसके बाद हम लोग इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन का चीला हो गया, सूजी का चीला हो गया ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना, तो ऐसा लगता है कि यही से चटपटी चीज़ें खाओ, खट्टी थोड़ी सी, और जिसमें ऑयल कम हो वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ काट के रखी थी, जैसे हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और हरा धनिया। आप लोग इसमें गाजर, बीट रूट, कॉर्न अगर आपके पास है स्वीट कॉर्न वो भी ऐड कर सकते हो, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हो, जो भी सब्ज़ियाँ आप पसंद करते हो ना वो सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हो। इवन आप लोग इसमें आलू भी ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। और यहाँ पे इन सारी सब्ज़ियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अभी लास्ट में यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। और एक बार और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसका चीला बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा बैटर बन के तैयार है। और मुझे ना थोड़ा सा गीला लग रहा था बैटर, सॉरी थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी और डाल दिया है और एक बार और अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप लोग ये चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको बैटर थिक लगे ना तो आप लोग उसमें थोड़ा सा पानी या मीठा कुछ भी ऐड कर सकते हो। और फिर तवे को मैंने अच्छे से ऑयलिंग करके उसको गर्म कर लिया था, उसमें जैसे भाप निकलने लगे उस तरीके से गर्म करना है। और उसके बाद हमें इस तरीके से अपने बैटर को स्प्रेड कर देना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है ना, तो लोहे के तवे को अच्छे से गर्म कर लें और इस तरीके से इसमें अपना जो बैटर है उसको फैला दें और अगल बगल थोड़ा सा तेल डाल दें, तो आसानी से जो हमारा चीला है वो अच्छे से पलट जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। और ये ऑलमोस्ट ना हो गया है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, नहीं तो क्या होगा, ये जल जाएगा और अच्छे से पकेगा नहीं। और फिर खाने में ना जो बेसन होता है उसका कच्चा कच्चा सा स्वाद आता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला चीला है बेसन का वो बन के तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे ही ना बेसन और ब्रेड चीला भी बनता है, अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का लेकर आऊँगी। और यहाँ पे मैंने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।